स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम कब यूज़ करते हैं व्हेन द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रेस एथनिसिटी रिलीजन और सेक्ट सोशल क्लास एज ग्रुप और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन बाई यूजिंग स्टर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वी इंश्योर दैट ईच ग्रूप सब ग्रुप ऑफ आ गि पॉपुलेशन इज एडकेटली रिप्रजेंटिड विद इन द होल सैम्पल पॉपुलेशन ऑफ आ रिसर्च स्टडी इस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करने की वजह से हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे जो सब ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन uh, के उन सब की रिप्रेजेंटेशन हो गई है आपके सैम्पल में और हम इसको इंटेंशनली एश्योर करते हैं जब हम स्ट्रटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं तो इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे कि हमारी एक स्टडी है जो जो कि हम कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन इन पंजाब तो अब हम उसमें तीन स्टाटा बना लेते हैं पहला स्टार्टम है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कौन से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में और जो वो स्टूडेंट्स uh, uh, जो पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन में हमने इंश्योर करना है कि हमारे सैंपल में इन दोनों इंस्टीट्यूशन से लोग आएँ पब्लिक भी और प्राइवेट भी सेकेंड स्टाटा हमारा है जेंडर की बेस पे यानी मैन एंड वुमेन हमने ये कोशिश करनी है कि हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनमें uh, एक uh, जो है uh, 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 जो है जेंडर ही ना हो बल्कि दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो तीसरा हमारा जो है स्टाटा वो लिविंग एरिया की बुनियाद पे हो सकता है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं हमने उनको इस बेसिस पे भी अपने सैम्पल में इंक्लूड करना है तो इसकी दो टाइप्स हैं जो स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग है एक होती है प्रपोशनेट सेटिफिकेशन और एक होती है डिस प्रपोशनेट तो प्रपोशनट सर्टिफिकेशन में द सैम्पल साइज ऑफ ईच स्टार्ट इज़ प्रपोशनीट टू द पॉपुलेशन साइज ऑफ द दटम यानी जितना उस स्टार्टम का साइज़ है पॉपुलेशन का में उतना ही उसका साम्पल में भी साइज होगा और इसको हम इंश्योर करते हैं प्रपोशनल एलोकेशन के फार्मूले के तहत तो ये प्रपोशनल एलोकेशन का फार्मूला है तो, तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे एक स्टार्टम का पॉपुलेशन साइज 150 है टोटल पॉपुलेशन 450 है और हमारा सैम्पल साइज 180 है तो उस स्ट्रटम का जो सैम्पल बनेगा आउट ऑफ 180 उसमें 60 जो है इस स्टार्टम से होंगे दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सैम्पलिंग जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग इसमें वी एक्चुअली डू नाट अलॉट सैम्पल टू ई स्टार्टम ऑन द बेसिस ऑफ परपोर्शनल एलोकेशन इन इन दिस टाइप ऑफ जो है स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग द साइज ऑफ़ ईच टाटम इज़ नॉट प्रपोर्शनल टू इट साइज़ इन द पॉपुलेशन यू एज अ रिसर्चर डिसाइड द प्रपोर्शन ऑफ ईच टाटा कि भाई किसकी ज़्यादा वैल्यू और किसकी कम वैल्यू और किस टाटा से ज़्यादा सैम्पल आना चाहिए और किस टाटा से कम सेम्पल आना चाहिए तो ये दो टाइप्स थी स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग की आ, और हमने देखा कि स्टर्टिफाइड सैम्पलिंग कब यूज़ की जाती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं?